రాజు आज आप लिए ऐसे कन्या वाले लेकर आया हूँ जिसपे आप कहने पर तो जीरो हो जाओगे। तो चलिए अब हम बिना एक देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आप लेकर आए हैं कार्यपत्र 10 जो कि हमारी कक्षा छठी के लिए और इसका विषय हमारा हिंदी नादान दोस्त भाग 3। और यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपको अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है और ये वर्कशीट हमें करनी है 29 अक्टूबर 2020 को। तो चलिए अब हम इस वीडियो को आरम्भ करते हैं। तो ये देखिए प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रिकों में हमने पढ़ा कि श्यामा और केशव के घर पर चिड़िया ने कार्निस के ऊपर अंडे दिए हैं, जिसको लेकर दोनों के मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं और उन दोनों ने मिलकर अंडों को धूप से बचाने के बारे में सोचा। तो अब आगे, हाँ ये देखिए अब हमारा गर्मी के दिन थे। हाँ बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आँखों में आज नींद नहीं थी। नींद कहाँ, अम्मी जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे हैं थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन अब उससे काम ना चला तो नहाने की चौकी लेकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टोगे बराबर ना होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को अदबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतर कर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था, बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। फिर ये देखिए अब हमारे ये शब्द अर्थ, इंतजार का मतलब प्रतीक्षा, हाँ हिफाजत का मतलब सुरक्षा, तकलीफ का मतलब परेशानी, सिट करने का मतलब कुंडी, दरवाजा बंद करने के लिए लोहे या पीतल का उपकरण। तो यहाँ देखिए गद्यांश के उदाहरण पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला है, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए। तो यहाँ देखिए इसका आंसर है, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर इसलिए निकल आए क्योंकि कार्निस के ऊपर चिड़िया के अंडों को जानने का और उनकी जो है तकलीफों को दूर करने चाहते थे। हाँ फिर देखिए दूसरा, केशव और श्यामा ने अंडों की हिफाजत की तैयारियां कैसे की। तो ये देखिए अब हमारा अंडों की हिफाजत की तैयारियां यह थी कि केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम ना चला तो नाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी रख दिया। हाँ तो ऐसे वो हिफाजत कर रहे थे। तीसरा है, क्या आपने भी घर वालों से छुपकर कुछ काम किया है, ऐसे किसी अनुभव को लिखिए। तो हाँ जो है, तो ये देखिए एक बार क्या था जो वो है, मुझे चॉकलेट खानी थी। हाँ तो फिर जो है मैं चुपके से जो है चॉकलेट खाने लगा था उस बार। हाँ फिर देखिए चौथा है, जब आपने घर वालों से छुपकर कुछ काम किया तो बताओ कि
थी, ऐसे में तुम्हारे मन क्या क्या सवाल उठे। तो यहाँ देखिए आप जो है लिख सकते हैं, अगर मैं अपना बताऊं तो जब मैंने ऐसा कुछ काम करा था तब मेरे मन में यह सवाल उठ रहे थे कि क्या यह मुझे करना चाहिए या फिर नहीं, हाँ और ऐसे ही आदि। अब पांचवा, दिए गए शब्दों में से वाक्य बनाकर लिखिए। तो देखिए इंतजार, हाँ इंतजार का है, मैं अपने पापा का और जो घर लौटने का इंतजार कर रहा था। दूसरा है हिफाजत, हाँ तो ये देखिए केशव और श्यामा जो है अंडों की हिफाजत की तैयारियां कर रहे थे। अब हमारा तकलीफ, हर एक इंसान की जिंदगी में एक ना एक तकलीफ तो आती है। फिर देखिए सिटकनी, तो यहाँ देखिए अब जो है हम रात को सोते वक्त जो है मेन दरवाजे की सिटकनी बंद कर देते हैं। हाँ तो उम्मीद है आपको पसंद आया, अगर अच्छा लाइक कर ही देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो कर देना। तो ओके, बाय बाय।